हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल एंड वेलकम टू माय चैनल कोमल लाइफ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बालूशाही की रेसिपी। तो हम घर पर बना सकते हैं मार्केट जैसी बालूशाही। तो देखिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि कोई ट्रिक्स एंड टिप्स ना छूट जाए आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी जूसी है अंदर से और कितनी अच्छी तरह से पकी है, कितनी एक एक लेयर निकली हुई है इसकी, जिस तरह से मार्केट की बालूशाही में होती है। तो फ्रेंड्स, उसी तरह से हम बनाएंगे और बड़ी ही आसानी से बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक बाउल, जिसमें मैं ऐड करेंगे 4 स्पून घी। आप 1 स्पून ले लीजिए, जिससे आप सारे जो हम मेज़र करेंगे आप उसी से सब कुछ मेज़रमेंट लीजिए। तो यहाँ मैंने एक स्पून ले ली है, इसमें मैंने ऐड किया है 4 स्पून घी। घी ही ऐड करना है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 स्पून दही। यहाँ जो नॉर्मल दही होता है, ताज़ा दही होता है, वो मैंने ऐड किया है। आपके पास अगर खट्टा दही है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप नॉर्मल ही दही ऐड कीजिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बाउल मैदा। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करना है। अब हम इसका एक अच्छा सा डो रेडी कर लेंगे। इसी से हमें पानी इसमें ऐड नहीं करना है और पानी की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर लास्ट में आपको लगता है कि आटा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा रह गया है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं 1 स्पून या 1/2 स्पून दही। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने अब ऐड किया है बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। हमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा और 2 चुटकी ही बेकिंग पाउडर ऐड करना है, ना तो इससे ज़्यादा ना इससे कम। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, मेरा डो रेडी नहीं हो रहा था, थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने इसमें 1/2 स्पून दही और ऐड कर लिया है। और देखिए कितनी आसानी से हमारा डो रेडी हो गया है। आप चाहें तो 1 स्पून घी लास्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा डो थोड़ा रफ है, तो आप 1 स्पून घी और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ऐसे ही रेस्ट करने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम जब तक हमारा डो रेस्ट हो रहा है, हम जब तक चाशनी रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 बाउल शुगर ली है, जिसमें 1/2 बाउल हमें ऐड करना है पानी। हमें ऐसा बर्तन लेना है जो नीचे से थोड़ा चौड़ा हो, ताकि चाशनी जो होती है वो आसानी से जो हमारी बालूशाही है उनके अंदर जाएगी। तो इसलिए हमें थोड़ा नीचे से चौड़ा बर्तन हो वो लेना है। हमें चाशनी को अच्छी तरह से मिला देना है। देखिए अच्छी तरह से मिल गई, और इसे ही हमें मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट तक पकाने के बाद हमारी चाशनी कुछ इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी, इस तरह से बबल्स आ जाएंगे। आप घड़ी में देख लीजिए, 10 मिनट तक हमें चीनी के घुलने के बाद पकाना है। और हम गैस की फ्लेम अब कर देंगे बंद। और चलिए अब हम चेक कर लेते हैं हमारा डो। हमारे डो को भी 20 मिनट हो चुके हैं, और चलिए अब उससे बनाएंगे हम बालूशाही। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा डो रेडी है। इसमें थोड़ी सी लोच और लगा लेते हैं। अब फ्रेंड्स, इसकी छोटी छोटी लोइयां इस तरह से तोड़ के हम इस राउंड बॉल बना के पेड़े की तरह हमें बनाना है, और सेंटर में एक होल बनाना है, ताकि जो हमारी चाशनी है वो अच्छी तरह से साइड से भी चली जाए अंदर। तो हमें एक सेंटर में एक होल बनाना है जैसे, और ये जो होल बनाएंगे ऊपर और नीचे से दोनों तरह से बराबर होना चाहिए। तो इसी तरह से हम सारी जो हमारा आटा है, उस तरह से हम बालूशाहियाँ बना लेंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आसानी से ये बन जाता है। देखिए, लोई लेनी है, उसको राउंड करना है, बीच में से होल करना है, और थोड़ा सा प्रेस करके उसे रख देना है। इसी तरह से हम सारे आटे की बना लेंगे। दूसरी तरफ मैंने घी गरम होने के लिए रख दिया है। घी हमारा गरम है, या हमें मीडियम हीट गरम होने पर, ऑयल को, घी को मीडियम गरम होने पर हमें इसमें बालूशाहियाँ ऐड करनी है। अगर आप तेज गरम ऑयल में या घी में ऐड कर देंगे बालूशाहियाँ, तो वो अंदर से पकेंगी नहीं। तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब मीडियम घी गरम होगा तभी ही हमें इसे ऐड करना है, ताकि ये धीरे धीरे पकें। और फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें 15 से 18 मिनट तक पकाना है। आप घड़ी में टाइम देख लीजिए, बीच बीच में से हमें इसे पलटते रहना है। हमें फोक की हेल्प से इन्हें पलटना है, ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि इस टाइम ये होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट।
हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि हमें एक साथ घी में बहुत सारी बालूशाहियाँ नहीं ऐड करनी हैं, क्योंकि ये पकती हैं तो उस टाइम ये थोड़ी फूलती हैं। तो क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर ऐड किया है, इस कारण ये थोड़ी फूलती हैं, इसलिए हमें थोड़ी ही ऐड करनी है ताकि इनको स्पेस मिल सके। और हमें 17 से 18 मिनट तक इन्हें पकाना है। देखिए 17 से 18 मिनट हो चुके हैं, हमें लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में पकाना, हल्के गर्म तेल में इन्हें ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी बालूशाहियाँ मार्केट जैसी बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेंगी। तो देखिए हमारी ये बिल्कुल पक के रेडी हैं, देखिए बिल्कुल गोल्डन हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, हमें आराम से निकालना है क्योंकि ये सॉफ्ट होती हैं बहुत ही। अब हम इन्हें चाशनी में ऐड कर देंगे। चाशनी में ऐड करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी बालूशाहियाँ गर्म होनी चाहिए और जो हमारी चाशनी है वो भी हल्की गर्म होनी चाहिए। अगर चाशनी हमारी ठंडी होगी तो हमारी बालूशाहियाँ हैं वो जो चाशनी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। हम एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे। बालूशाहियों में बनाते टाइम हम इनमें ज़्यादा चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। देखिए इतनी चाशनी बहुत होती है बालूशाहियों के लिए, क्योंकि हमें और इतने में ये इसके अंदर चली जाती हैं। रसगुल्ले या गुलाब जामुन की तरह इनमें अच्छी तरह से चाशनी नहीं चाहिए जो इन्हें डिप कर दे, बस इतनी चाशनी चाहिए। और हर 2-3 मिनट में हम इन्हें पलटते रहेंगे ताकि इनमें अच्छी तरह से चाशनी चली जाए। हमें 10 मिनट से फालतू नहीं रखना है, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। इस तरह से हम पलटते रहेंगे। और फ्रेंड्स, हमें इन्हें 10 मिनट तक चाशनी में रखना है और बीच बीच में इस तरह से हमें टर्न करते रहना है। और हमारी बालूशाहियाँ रेडी हैं। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, 7 से 8 दिन आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।